पुराणों में महाराज जी लिखा है कि किसी भाग्यशाली जीव के जीवन में हरि भक्ति की पूर्णता आप देखें, बहुत ध्यान से सुने, हरि भक्ति की पूर्णता किसी भाग्यशाली के जीवन में दिखाई पड़े तो निश्चित कर लेना चाहिए कि पूर्व जन्म में इसकी शिव भक्ति पूर्ण हो चुकी है, शिवजी ने पूर्ण अनुग्रह किया है। बिना शिवजी के परिपूर्ण अनुग्रह के किसी को भी भगवान की भक्ति आज तक मिली नहीं। विराज हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बड़े अवधूत फक्कड़ महापुरुष थे। जिन लोगों ने उनका जीवन दर्शन किया है, उनका दर्शन करके लगता था कि सैकड़ों साल पहले महात्मा कैसे रहते होंगे। एक लंगोटी, एक ही साफी, एक ही अचला, दूसरी लंगोटी नहीं, दूसरा गमछा नहीं, दूसरी साफी नहीं। जब देखो तब नीम वृक्ष के नीचे बैठे हुए, खाली तखत पर, कोई आसन नहीं, ठंडी गर्मी बरसात, खूब वर्षा होती तो वो मतंगा कहते साधुओं में तू माँ का, उसको जटाओं पे रख लेते, खूब पानी बरसता तो कहते वाह आज राम जी खूब स्नान करा रहे हैं, वाह खूब राम जी स्नान करा रहे हैं। और जब बादल छटते प्रकाश होता तो शरीर चमकने लग जाता उनका, वैसे बढ़िया से नहाते भी नहीं थे कि कोई बढ़िया मल मल के, जीवन में कभी तेल साबुन तो लगाए नहीं। अद्भुत जीवन था। लगभग 120 वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए। महान योगी थे। उनके जीवन की एक घटना, महाराज जी कहते थे शिवजी की कृपा बहुत जल्दी होती है, तो खाक चौक में वो महंत पद पर विराजमान हो चुके थे, पर वो चाहते थे कि हम कुछ साधन एकांत में जाकर करें, और जो स्थानधारी होते हैं उनको थोड़ा सा अवकाश कम होता है, व्यवहार में भी समय देना पड़ता है। तो महाराज के गुरु भाई थे, उनके सारे स्थान छोड़ के सवेरे गए कमंडल लेके जमुना जी, और लौट के नहीं आए, चले गए सीधे कार्तिक पुणे के बाद। तो पैदल 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 चल के मन में ऐसा भाव जगा कि काघभुसुंडी जी के ऊपर भोले बाबा की कृपा हुई, हम भी अब भोले बाबा की कृपा ही प्राप्त करेंगे, अब उत्तर दिशा का त्याग नहीं करेंगे, हमारे काघभुसुंडी जी भी उत्तर दिशा में बैठे हैं। वो चल पड़े। तो फिर मन में एक आया ऐसा विचार कि उत्तर में तो पीछे जाएंगे, पहले महाकालेश्वर चलो, क्यों वो महाकाल की ही तो कृपा काघभुसुंडी जी पर हुई थी, तो वहीं चलो पहले। तो वृंदावन से महाराज जी कहते पैदल चल पड़े उज्जैन के लिए, रेल की पटरी के सहारे सहारे। ये बात है सन 1938 की बात है। ।1932 में वो महंत पद पर विराजे थे और 1938 में छोड़ के चल पड़े। तो ये देवास के तरफ पहुंचे, देवास है ना उज्जैन के पास, देवास। तो जंगल में एक शिव मंदिर था, बहुत थके हुए थे, तो शिव मंदिर में ही शिव जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रही बचपन से ही, तो शिव जी का आश्रय मिल गया तो बस निश्चिंतता है। तो वहाँ छोटा मंदिर था, जीर्ण शीर्ण, और थके हुए थे तो वहीं शंकर जी की जयलहरी की तरफ सिर कर लिया, और छोटा मढ़ी जैसी थी, पूरे शरीर मढ़ी में नहीं आता, आधा पैर बाहर की ओर कर लिए,
और ऐसे सिर जलहरी की तरफ करके सो गए। बहुत थके हुए थे तो नींद आ गई। और कहते सोए ही सोए, थोड़े गंभीर निद्रा में सोए ही थे कि अकस्मात मुझे डमरू का शब्द सुनाई पड़ा, उड़ुक 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 ऐसे शब्द सुनाई पड़ा। तो एक बार तो हम कांप से गए, और हम कुछ सोचे उसके पहले हमको लगा कि मेरी जटा पकड़कर कोई खींच रहा है। तो जटा पकड़ के खींचा तो मैं ऐसे देखा, साक्षात भगवान शिव मेरे अपने हाथ से शंकर जी जटा पकड़ के खींचे, साक्षात भालचंद्र भगवान शिव खड़े हुए। सारा मंदिर प्रकाश से जगमगा रहा है। यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, ये कहा शंकर जी ने। यहां से उत्तर दिशा की ओर चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहकर के शंकर जी अंतर्धान हो गए। कहते मैं रोया, और इसके बाद फिर वहां से चला, निश्चय कर लिया जब तक परिपूर्ण कोई महापुरुष नहीं मिलेंगे मैं उत्तर दिशा का त्याग नहीं करूंगा। जैसे ही आगे बढ़े, ये देवास के जंगल की बात है, तो बोले अगहन का महीना था, कार्तिक के बाद अगहन आता है, ठंड पड़ने लगती है। सवेरे 4 बजे के करीब एक नंगा बालक दिखाई पड़ा, 5-7 बरस का बालक, एकदम नंगा, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं, ऐसी जंगल में घूम रहा है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बालक नंगा, इसको ठंड नहीं लग रही, ऐसे घूम रहा है। तो बोले हमने कहा ये बालक भगवान, यहां कोई संत रहते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ, यहां से उत्तर की ओर चले जाओ, ऐसे संत रहते हैं जो मिट्टी छू दें तो मिश्री हो जाए। तो बस वो कह के बालक जंगल में चला गया, जंगल तो था ही वहां कि झाड़ी में चला गया भीतर। आगे बढ़े तो एक छोटी कुइया दिखाई पड़ी, और वहां एक संत पड़े थे, पुराना सा कंबल था और जटा उनके बहुत विशाल थे, चमेली का झाड़ था, चमेली होता ना फूल, चमेली का झाड़, लता चमेली की, तो चमेली के झाड़ पे उनके जटा फैले थे, और सामने धुना चैतन्य था, और वो ऐसे ऐसे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई साधु आया, उठ के बैठ गए, आओ आओ बालक भगवान आओ बैठो, महाराज जी को कहा आओ बालक भगवान बैठो, दंडो 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 महाराज दंडो। बोले जैसे ही बैठे, बैठते ही उन्होंने कहा तुमको भगवान शिव का दर्शन हो चुका है, शंकर जी ने तुमको भेजा है, मार्ग में जो बालक मिला था वो कोई कोलभील का बालक नहीं था, वो सनकादिक भगवान में से साक्षात सनत कुमार जी थे। तुम यहां क्यों आए हो? वहीं चरण पकड़ लेते तो तुम्हारा काम बन जाता, पर चलो उन्होंने भेज दिया, अब कोई बात नहीं, स्नान करो। हमको आश्चर्य हुआ कि सारी बात बिना पूछे अपने आप बता रहे, विचित्र महात्मा है। फिर बोले आश्चर्य क्यों करता, बैठ। बैठ गए, आश्चर्य तो था ही कि ये कैसे हो रहा है। फिर बोले जहां हमारा जन्म हुआ था वहां से लेके अब तक क्या किया है तुमने, अच्छा बुरा सब उन्होंने सुना दिया। बोले मन तो मन है, हमारे मन में फिर शंका जगे कि कोई तंत्र मंत्र की सिद्धि वाले तो नहीं मिल गए, कोई अघोरी अघोरी तो नहीं मिल गए, भगवान जाने कोई तिलक स्वरूप तो है नहीं, कोई वैष्णव बैरागी का चिन्ह तो दिखाई पड़ना ही, भगवान जाने कहीं ऐसी जगह तो नहीं आ गए। तो वो हंसे, अरे बोले मन की शंका छोड़ स्नान कर। उन्होंने स्नान किया, स्नान करके धूना पर बिठाया, और फिर क्या किया, महाराज जी गदगद हो जाते थे, कहते थे हमको जो चाहिए था
उनकी कृपा से हमको मिल गया। उन महापुरुष का नाम था परमहंस श्री रामानुजदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। तो महाराज जी कहते थे कि तीव्र लगन हो, व्याकुलता हो आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार की, तो बोले नारद जी सनकादिक और सब महापुरुष अभी भी घूम रहे हैं, वे किसी ऐसे साधक को देखना चाहते हैं जिसके मन में ठाकुर जी को पाने की ललक है, व्याकुलता है, कृपा करते हैं। जा पर कृपा न करहिं पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। भोले बाबा ने कृपा कर दी नरसिंह जी के ऊपर, और नरसिंह जी ने अपने नेत्रों के जल से भगवान शिव पार्वती के चरणों को प्रक्षालित कर दिया। कहा बेटा अब तुम अपने मन में शंका रहित हो जाओ, अब तुम्हारे दुख समाप्त हो चुके हैं, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम हमसे मांग लो। नरसिंह जी बोले महाराज हमने सुना है कि जब किसी भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ न कुछ टूटी फूटी वाणी में अपनी आप स्तुति करता है, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूँ। हाँ बोलो। नरसिंह जी ने कहा जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की। प्रभु के भाल बाल विधुरा जय, प्रभु के भाल बाल विधुरा, गल में ब्याल राज भल भ्राजय, गल में ब्याल राज भल भ्राजय, मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष शंकर की, मस्तक शोभा गंग लहर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर की, जय जय विश्वनाथ शंकर की, जय जय आशुतोष अवधर। तन पर पाघंबर मृग छाला, तन पर पाघंबर मृग छाला, उर पर नर मुंडों की माला, उर पर नर मुंडों की माला, नीली झलकन कंठ जहर की, नीली झलकन कंठ जहर की, नीली झलकन कंठ जहर की, जय जय आशुतोष अवधर की, नीली झलकन कंठ जहर की, जय आशुतोष अवधर की, जय हो आशुतोष शंकर की, जय जय विश्वनाथ अवधर की, जय जय आशुतोष शंकर की, जय जय विश्वनाथ अवधर की, जय जय विश्व शिरोमणि दानी, जय जय विश्व शिरोमणि दानी,
जय जगदम्बे मातु भवानी, जय जगदम्बे मातु भवानी, जय प्रभु नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवढर की, जय जय नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवढर की, जय प्रभु नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवढर की, जय नारायण हित कर की, जय जय आशुतोष अवढर की, जय जय आशुतोष अवढर की, जय जय आशुतोष अवढर की। भोले भाले बालक नरसी की प्रार्थना सुनकर के शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले वत्स मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर।